ओम शांति। आपका प्रश्न है कि बाबा को कौन कौन से खाद्य पदार्थ भोग लगाए जा सकते हैं। सबसे पहली बात याद रखना है कि भोग लगाना भक्ति है, ज्ञान नहीं। भोग लगाना भावना है, ज्ञान नहीं। क्योंकि जब यह कहा जाता है कि बाबा को भोग लगाना है, बाबा को भोग लगाना, बाबा खाता नहीं, बाबा अभोक्ता है, फिर भोग क्यों लगाएं? बाबा भी कहता है मुरली में भोग लगाओ, फिर बाबा क्यों कहता है? भोग लगाना अर्थात परमात्मा की याद में स्वीकार करना। भोगी हम हैं, हमने ही वो खाना है, और सबका अनुभव है कि एक मिलीग्राम भी कम नहीं होता। हमने ही खाना है वो, बाबा ने नहीं खाना है। भोग लगाना अर्थात बाप की स्मृति में अपने आप को आत्मा समझकर अपने शरीर को जो धोखे से, गलती से, खुशी से, जाने से, अनजाने से हमने बाबा को दे दिया है, उसको खिलाना है। क्योंकि ये तन बाबा का है, अब वो भोग खिलाना है, वो बाबा के शरीर को भोग खिलाना है, भोजन खिलाना है जो बाबा ने कहा है। अब बाबा ने क्या खाने खिलाने के लिए कहा है? ऐसा भोजन जो शरीर को बना के रख सके, जिसके द्वारा हम अपना श्रेष्ठ भाग्य लिख सके। उसके लिए जो भोजन आपने शरीर बाबा को दिया है, उस शरीर को स्वस्थ रख सके। सात्विक आहार, शरीर की नब्ज को आपने देखना है,
हर एक के शरीर की नब्ज अलग अलग है, कोई फलाहारी होते हैं और कोई राशि भोजन भी पसंद करते हैं, तला हुआ, अति गर्म, अति मीठा, अति खट्टा, कोई कम मसाला तो कोई ज्यादा मसाला, अब ये पसंद है मेरी, खिला रहा हूं मैं बाबा के तन को, तो ऑटोमेटिक दोष भी लग जाता है। बिल्कुल सिंपल साधारण सब चीजें खिला सकते हैं, परंतु ये ध्यान रखें कि बाबा नहीं खाता, और अपने शरीर को आपने खिलाना है, क्योंकि ये तन आपने बाबा को दे दिया है और इस तन के द्वारा आपने श्रेष्ठ भाग्य लिखना है। इसलिए वर्जित भोजन ना खिलाए, बाकी जो भी ठीक लगे, जैसा भी अच्छा लगे, जितना शरीर को स्वस्थ रखने के लिए लगे उतना आपने खिलाना है। दूसरे के साथ अपनी तुलना नहीं करनी है, वो तो टेढ़े मेरे भारी घी वाले भोजन बना करके भोज भोग लगाते हैं, लगाने दो। आपने स्वयं चेक करना है, क्योंकि आपके रथ ने क्या खाना है, कितना खाना है। हमने दूसरों को नहीं देखना। मैं एक यूनिक आत्मा हूं, ये स्मृति रहे, और मैंने बाबा के रथ को वो खिलाना है ताकि मैं इस रथ से अपना श्रेष्ठ श्रेष्ठ भाग्य लिख सकूं। बाकी ये सोचकर भोग नहीं लगाना है कि बाबा खाएगा, कभी नहीं खाता। और अच्छी तरह से समझना हो तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।